तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ रियलमी एक्स सेवन के लिए बेस्ट बीजीएम सेंसिटिविटी बीजेम वन वन सेवन पॉइंट जीरो के अपडेट के वास्ते मतलब यहाँ पर जो भी आपको नया अपडेट आया ना तो नया अपडेट में क्या होगा कि पुरानी सेंसिविटी अब यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है समझ गए तो आपको यहाँ पर गेम प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है क्लोज फाइट का भी, भी आप लोग का इंप्रूव नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर जब आप लोग चार सौ मीटर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर भी आप रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा मतलब कि क्लोज फाइट में सेंसिविटी कैसीू चाहिए तो कि आप स्क्वाड को आसानी से क्लच कर पाओ और जब चार सौ मीटर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर आप रिकॉल को जीली कैसे कंट्रोल कर सकते हो तो यहाँ मतलब यहाँ पर आप लोगों को पूरी साइंसिफिटी क्लास देने वाला समझ के तो इसलिए आप यहां पर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा तो सबसे पहले थैंक थैंकफुल एवं सपोर्ट कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया सिक्स के की फैमिली हम लोग बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे गाइस और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग यहां पर बहुत ही जल्दी टेन के भी कंप्लीट करने वाले हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आज के ये हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया लेकिन थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये करना चाहूँगा कि सेंसिविटी जो होती है सबसे पहले आप ये मान लें सेंसिविटी जो होती है वो आपको डिवाइस के साथ साथ हैंड के ऊपर डिपेंड करती है हर बंदे की हैंड की सेंसिविटी अलग होती है कि वह बंदा टू फिंगर खेल रहा है थ्री फिंगर खेल रहा है फोर फिंगर खेल रहा है समझ गए इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपके अपने हैंड के हिसाब से सेंसिविटी कैसे बनाना चाहिए बेस्ट तो आज यहाँ पर मैं सेंसिविटी बनाना सिखाऊंगा समझ इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना स्किप नहीं करना है तो अटैचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको रिक्वल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसलिए अटैचमेंट आप जरूर लगाया करो अटैचमेंट में यहाँ पर मैं रखा हूँ आपको कंपनसेटेड ए आर का उसके बाद हाफ ग्रिप रखा हूँ फिर यहाँ पर मैग एंड स्टॉक्स रखा हूँ समझ गए आप हाफ ग्रिप की जगह पर यहाँ पर आप वर्टिकल फुट ग्रिप यूज कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग क्लोज फाइट से क्लोज फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो जीरो रिकॉल है वो सेकेंडरी होता है लेकिन आपको यहाँ पर गेमिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए वन वर्थ फोर क्लच निकालने के लिए यहाँ पर क्लोज फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लोज फाइट के ऊपर ही यहाँ पर आपका सारा खेल होता है समझ गए इसलिए यहाँ पर क्लोज फाइट

क्रोच फाइट में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए यहाँ पर जो इसका मूवमेंट हो रहा है ना मूवमेंट और स्टेबिलिटी दोनों होना बहुत जरूरी है तो ये जो मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ ये मूवमेंट होने से क्या होगा कि अगर आपको सामने से तीन चार बंदे अगर एक साथ फाइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको आप इजिली डाउन कर सकते हो एक स्प्रे में समझ गए लेकिन जब आप यहाँ पर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर इसका स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है स्कोप अगर आप स्टेबल नहीं रहेगा रिकॉल ज़्यादा होगा तो आप इस बंदे को डाउन नहीं कर पाओगे कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों कि स्कोप नहीं होता है तो हम लोग क्या करते सौ डेढ़ सौ मीटर के बंदे को रेड से ही डाउन कर देते तो वहाँ पर आपका स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है तो आप बढ़ते आगे यहाँ बात करें थ्री एक्स की थ्री एक्स को क्लोज फाइट मिड रेंज लॉन्ग रेंज सब में लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मिड रेंज में जो लोग होते हैं आप अच्छे से यूज कर लेते हैं क्लोज रेंज में यूज़ कर लेते हैं लेकिन जब लॉन्ग स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर इसका रिकॉल इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर इससे बंदे को डाउन नहीं कर पाते मतलब कि होता है क्या है कि इसको स्कोप जो ऊपर की तरफ भागने लगता है ओके तो उस बीमारी को ठीक कैसे कर करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लोज फाइड के लिए घुम्बैट दिखा रहा हूँ तो क्लोज फाइड में इस तरीके का मूवमेंट कर पाओगे तभी जा करके आप क्लोज फाइड विन कर पाओगे इस स्कोप से तो अब चलो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं चार सौ मीटर पर देखो अभी चार सौ मीटर पर क्या होता है कि आपको जनरली बंदे भी ढंग से दिखाई नहीं पड़ते कि बंदा इन्हें भी कहाँ पर छिपा हुआ कैसा कितना बॉडी दिख रहा है कितना हेड दिख रहा है समझ गए तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको यहाँ पर चार मीटर पर अच्छा खासा रिकॉल कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ सेंसिविटी जो होती है वो अब हैंड के ऊपर ही डिपेंड करती है सारा खेल जो आपके हैंड के ऊपर ही होती है सेंसिविटी आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं समझ गए डिवाइस तो मैटर करता ही है बट यहाँ पर सेंसिविटी हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है तो आप लाइव यहाँ पर देखो कि आप अपने हैंड के हिसाब से कैसे बना सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ आपको समझ गए क्लोज फाइट में यहाँ पर तो फोर मेरा ठीक काम कर रहा है एक बार लॉन्ग स्प्रे करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं चलिए यहाँ पर लॉन्ग स्प्रे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉयल और वाइब्रेशन दोनों ही देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था यहाँ पर रिकॉयल तो चलेंगे सेटिंग में यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करेंगे जो आपको एरियस दिख रहा है ना मेन एरियस आपका इस एरियस को थोड़ा सा क्या करेंगे हम यहाँ से हल्का से यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे समझ गए इंक्रीज करने से क्या होगा रिकॉयल कम हो जाएगा और जायरो प्लेट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा जायरो को हल्का सा बढ़ा देंगे अब एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मेरा जो यहाँ पर रिकॉइल वाइब्रेशन कितना हद तक कंट्रोल है चलिए तो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर स्टेबिलिटी भी अच्छी है और आपको यहाँ पर रिकॉयर भी काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रहा है अब बढ़ते आगे सीधा बात कर लेते यहाँ हम लोग सिक्स एक्स की है। तो सिक्स एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है सब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके लिए यहाँ पर मैं इसको कर लिया एडजस्टमेंट अब जो सेंसिविटी हो होगी वो थ्री एक्स वाली वर्क करेगी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हल्का सा यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है बाय द वे सिक्सटी ए पी एस पे अगर आप गेम प्ले करोगे या फिर नाइनटी ए पी एस पे गेम प्ले करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग स्प्रे में हल्का वाइब्रेशन फील होता है समझ गए तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी कर लेती हैं एडजस्टमेंट सेंसिविटी आप यहाँ पर लाइव देख लो मैं क्या क्या यहाँ पर आ, मतलब कि किस किस ऑप्शन को यहाँ पर मैं अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोड लोगे फिर कॉपी पेस्ट मारोगे वहाँ पर मेरा वाला पूरा हुआ वो कॉपी हो जाएगा फिर आपको आ, गेमिंग करने में काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि सेंसिविटी जो होती है वो हर बंदे के हैंड की अलग अलग होती है समझ गए सिर्फ जीरो रिकॉल का मान लेते हैं हाँ, काफी हद तक ठीक है लेकिन नॉइस कॉल वाला सबका अलग अलग होता है समझ गए एक बार फिर से तो यहाँ पर चलेंगे सेटिंग में थोड़ा सा और यहाँ पर कर लेते हैं एडजस्ट इसलिए यहाँ पर मैं आपको एंड में तो कोड दे ही दूंगा बट आप लाइव यहाँ पर देख लोगे तो सीख ही जाओगे समझ गया कि अपने हैंड के हिसाब से वे सेंसिटिटी कैसे चूज करना है और वहां पर आपको सेंसिटिविटी कैसे बनाना है समझ गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सेंसिविटी मेरे हैंड के ऊपर में मतलब कि शूट कर रही है वो आपके हैंड के ऊपर में भी आप शूट कर रहे समझिए इसलिए आप अपने हैंड के हिसाब से तो बनाना सीखो तो चलिए फटाफट से यहाँ पर चलेंगे सेटिंग में तो सबसे पहले सेंसिविटी हट के कुछ बेसिक सेटिंग आपको यहाँ बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को यहाँ पर पूरे गेम बोले इंप्रूव करने में काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगी समझ गए तो सबसे पहले आपको फास्ट स्कोपिंग के लिए स्कोप को यहाँ पर होल्ड पर रखना तभी जाकर के आप फास्ट स्कोपिंग कर पाओगे समझ गए उसके बाद कैमरा रोटेशन वाइल एडीज इसको रखना है डिसेबल इनेबल कर दोगे तो आपको गेम में काफ़ी दिक्कत आएगी लीन मोल्ड भी रखना है यहाँ पर आपको होल्ड पे और यहाँ पर नीचे दिख रहा है कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग इसको भी रखना है आपको डिसेबल उसके बाद एडवांस में यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको जायरो स्कोप इसको रखना ऑलवेज ऑन विदाउट जायरो की सेंसिटिविटी ये नहीं है जायरो वाले ही है समझ गए उसके बाद सेंसिविटी में आपको यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले दिख रहा है आपको थर्ड पर्सन तो नो स्कोप कैमरा तो थर्ड पर्सन तो नोस्कोप का जो कैमरा है इसका रिकॉयर से कोई लेन देन नहीं नोएस्को वाला कैमरा आप अपना रख लो आपको जितना जितना पे कंट्रोल कर पाते उतना ही रखो समझ गए मेरा वाला कॉपी यहाँ पर मत करो उसके बाद सेपरेट सेटिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट में क्लोज रहता है वन पॉइंट सेवन के वाद से इसको यहाँ से इनेबल करना है इनेबल करने के बाद थर्ड पर्सन नोस्को वाला जो एडियस होता है इसको आप एक सौ से ऊपर और दो सौ के बीच में रखो समझ गए पूरा एक बार में बढ़ा दोगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा फायरिंग करते हुए कैमरा घुमाएंगे पूरा कैमरा ही घूम जाएगा समझ गए तो यहाँ पर आपको इसको कम भी नहीं रखना नहीं तो आपका पूरा कैमरा मूव नहीं हो पाएगा और ज़्यादा भी नहीं रखना एक सौ से लेकर के दो सौ के बीच में रखना समझ गए उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की सेटिंग जो भी दिख रही है आपको सबको यहाँ पर बिल्कुल भी मिलता ही रखना है और ये तो आपको कैमरा पैराशूटिंग वगैरह जब लैंड करते हो उसके लिए हो गया उसके बाद जायरोस्कोप यहाँ पर आप देख लो ज़ायरोस्कोप का थर्ड पर्सन नॉइज वाला जायरोस्कोप जो है उसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो बाकी का जो भी सेटिंग दिख रहा है आपको ए डी एस का जो सेटिंग ये भी ये भी दिख रहा है ये भी आपको डिफॉल्ट में क्लोज इसको भी यहाँ से इनेबल करना है उसके बाद जो भी सेटिंग जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको वैसा ही रहने देना है किसी को छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करना है उसका कोड यहाँ पर ले लो बट कोड कुछ दिन में काम नहीं करिए समझ गए तो आपको स्क्रीन शॉड लेकर मिला लो तो थैंक्स सो प्लीज़ टेक केयर